एट्रीनर्जिक एंटागोनिस्ट में हम लोग हैं और यहाँ पे हमने बात की है अल्फा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स के बारे में तो अल्फ़ा रिसेप्टर्स ब्लॉकर्स हमने पूरा देख लिया है जिसमें हमने सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स देखा है और नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स भी देखा है अब चलते हैं बीटा ब्लॉकर्स की तरफ अब हम ब्लॉक करते हैं उस ड्रग्स से बीटा रिसेप्टर्स को तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही क्लासिफिकेशन होता है लेकिन क्योंकि बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक करने वाली दवायाँ कुछ ज्यादा नंबर्स में तो उसका क्लासिफिकेशन जनरेशन्स के हिसाब से भी किया जाता है तो यहाँ पे जनरेशन्स के हिसाब से क्लासिफिकेशन है बीटा प्रोकरस क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से होता है एक क्लासिफिकेशन ऐसे जनरेशन्स के हिसाब से है जिसमें हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जनरेशन जो कि नॉन सिलेक्टिव है नॉन सेलेक्टिव कि वो बीटा वन को भी ब्लॉक करेगी और बीटा टू को भी ब्लॉक करेगी तो अगेन हम लोग यहाँ पे बीटा थ्री को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे क्योंकि क्लिनिकल इम्प्लीकेशन उसके कुछ ज़्यादा नहीं है उसके ऊपर यूज़ होने वाली दवाइयाँ अभी काफ़ी सारी क्लिनिकल ट्रायल्स के अंडर है तो उसके बारे में हमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे मोस्टली बीटा वन और बीटा टू का ही क्लिनिकल इम्प्लीकेशन देखेंगे तो वो ड्रग्स की जो नॉन सिलेक्टिव है बीटा वन और बीटा टू दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है जिसे हम लोग फर्स्ट जनरेशंस दवाइयाँ बोलते हैं जिसमें नाम आप देखेंगे तो नेडोलॉल पेन ब्यूटोलॉल पिंडोलॉल प्रोप्रेनोलॉल टीमोलॉल सोटा लॉल लिवोब्यूनोलॉल काफी सारे हैं तो यहां से आप एक तो बात याद रख सकें कि जब भी एंड में एल ओ एल लॉल आता है तो दैट मोस्टली इज अ ड्रग आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर है इसकी जो प्रोटोटाइप ड्रग है जिसका नाम है प्रोप्रेनोलॉल बीटा ब्लॉकर्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है काफ़ी सारे वाइवा के क्वेश्चन काफ़ी सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन काफ़ी सारे शॉर्ट नोट्स या शॉर्ट क्वेश्चन इवन नीट में पी में एम के तौर पर ये टॉपिक बहुत ही फेवरेट रहता है तो आपको ये टॉपिक थरली अंडरस्टैंड करना बहुत ही जरूरी है उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट जनरेशन्स की तरफ तो अब हम लोग आते हैं कुछ सिलेक्टिव ड्रग्स की तरफ तो अब जो सक्सेसिव जनरेशन्स हैं वो सिलेक्टिव बीटा वन ब्लॉकर है वो सिलेक्टिवली बीटा वन को ही ब्लॉक करती है तो यूजुअली जब हम बीटा ब्लॉकर्स में सिलेक्टिव ब्लॉकर्स बोलते हैं तो वो यूजुअली बीटा वन ही होते हैं बीटा टू ब्लॉकर्स का रोल बहुत ही कम है और लगभग निकलीजिबल है ना के बराबर है तो हम लोग बोलेंगे बीटा वन ब्लॉकर को ही सिलेक्टिव ब्लॉकर्स नाम देंगे अब जो बीटा वन ब्लॉकर्स या फिर सिलेक्टिव ब्लॉकर्स है उसमें भी अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन होता है क्योंकि कई सारी ड्रग्स होती हैं जो बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है उसके अलावा उसमें कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी होती है उसके अलावा कुछ एडिशनल रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती हैं जैसे कि अल्फ़ा को भी ब्लॉक कर सकती है इसके अलावा कैल्शियम को चैनल्स को भी ब्लॉक करती है इसके अलावा पोटेशियम चैनल को ओपन कर सकती है इसके अलावा नाइट्रस ऑक्साइड एज अ डोनर की तरह काम करती है अलग मेकेनिज़म से काम करती है तो कहने का मतलब यह है कि बीटा वन सिलेक्टिव ब्लॉकर्स के साथ भी एडिशनल एक्टिविटी उसकी होती है तो उसके हिसाब से उसके जनरेशन पड़े हैं ठीक है तो फिर बीटा वन सिलेक्टिव में होते हैं एसीबूटोलॉल एटेनोलॉल बिसोप्रोलॉल, एसमोलॉल मेटोप्रोलॉल फिर आता है थर्ड जनरेशन जहां पे बीटा वन सिलेक्टिव के साथ कुछ दूसरे रिसेप्टर ब्लॉकिंग की भी एक्टिविटी होती है मोस्टली अल्फा को भी ब्लॉक करते हैं तो अल्फा प्लस बीटा ब्लॉकर्स काइंड ऑफ होते हैं जैसे होते हैं कार्वेडीलॉल कार्टियोलॉल uh, लबेटालॉल और उसके बाद बीटा वन सिलेक्टिव के साथ कुछ एडिशनल एक्टिविटीज़ एक्टिविटी मैंने बोली थी तो नेबीवोलॉल सभी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे डीप में तो पहले जान लेते हैं कि ये बीटा ब्लॉकर्स जैसे हमने देखा कि कौन कौन सी ड्रग्स हैं एक है सिलेक्टिव के जो बीटा वन रिसेप्टर्स को ही ब्लॉक करते हैं फिर Uh, होते हैं नॉन सिलेक्टिव के जो बीटा वन और बीटा टू दोनों को ब्लॉक करते हैं और कुछ होते हैं जैसे हमने बात की एक एडिशनल एक्टिविटी होती है अल्फा ब्लॉकर्स को भी ब्लॉक करते हैं तो अलग अलग तरीके से क्लासिफिकेशन हो सकते हैं ये पहला हमने देखा था वो जनरेशन के हिसाब से देखा था ये जो हम लोग देख रहे हैं, हैं वो उसकी एक्टिविटी के हिसाब से अभी आप यूजअली याद रख सकते सकते हैं कि ए से शुरू होके एम तक यूजली जो और एम और एन इवन तक जो होते हैं आप रफली याद रख सकते हैं कि जो स्टार्ट होते हैं इससे वो मोस्टली सिलेक्टिव होते हैं तो यहाँ पे एटनोलॉल एसीब्यूटोलॉल बीसोप्रोलोल एसमोलॉल बिटाक्सोलॉल सेलीप्रोलोल मेटोप्रोलोल नेबीवोलॉल तो लगभग एन तक के जो सभी हैं वो सिलेक्टिव है आप ऐसे याद रख सकते हैं उसके बाद के सभी नॉन सिलेक्टिव है ठीक है तो प्रोप्रेनोलॉल हो गया पिंडोलॉल हो गया सोटालोल टीमोलोल ये सब एन के बाद आता है तो मोस्टली नॉन सिलेक्टिव होते हैं अभी जो ड्रग्स होते हैं नॉन सिलेक्टिव उसमें भी कुछ एडिशनल स्पेसिफिक एक्टिविटी होते हैं देखेंगे हम उसका रिलेवेंस क्या है जैसे इंट्रेंजिक सिंपेथोमाइमेटिक एक्टिविटी इंट्रेंजिक सिंपेथोमाइमेटिक मीन्स की अगर आप ध्यान से ये वर्ड पढ़े सिंपेथोमाइमेटिक मीन्स की सिंपेथेटिक रिसेप्टर्स को स्टिमुलेशन करे उसके जैसी एक्टिविटी तो ऑल हम लोग बात कर रहे हैं एड्रीनर्जिक ब्लॉकर्स की तो कुछ ऐसी ड्रग्स हैं कि वो एस ब्लॉकर्स हैं फिर भी उसमें कुछ सिंपेथोमाइमेटिक एक्टिविटी भी है एगोनिस्टिक एक्टिविटी भी है तो ब्लॉकर्स विथ सम ऑफ दी एगोनिस्टिक एक्टिविटी जिसे इंटरेंसिक सिंपेथोमायमेटिक एक्टिविटी भी बोलते हैं डीप में देखेंगे इसका इंपॉर्टेंस क्या है और फिर अल्फा ब्लॉकिंग प्रॉपर्टी बीटा रिसेप्टर्स को तो ब्लॉक करते ही है साथ में अल्फा रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करने वाली ड्रग्स हैं जैसे लेबेटालॉल कार्बेडिलोल सेलिप्रोलॉल सो दो डिफरेंट तरीके से क्लासिफिकेशन होता है ये हमने देखा अभी जो प्रोप्रेनोलॉल है ये एक प्रोटोटाइप ड्रग है मैं मैं अगर आपसे पूछू कि ये सिलेक्टिव है या नॉन सिलेक्टिव तो हा पी से शुरू होता है एन के बाद है तो दिस इज नॉन सिलेक्टिव. So, सिलेक्टिव जो अल्फा वन और सॉरी बीटा वन और बीटा टू दोनों रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने वाली बीटा ब्लॉकर है सो so, नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर है दैट इज प्रोप्रेनोलॉल तो एक प्रोटोटाइप ड्रग है प्रोटोटाइप ड्रग मीन की वो ग्रुप की सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग्स या फिर कह सकते हैं कि पहले आने वाली दवाइयाँ जो पहली जनरेशन में आई थी सबसे पुरानी दवाई थी उसके ऊपर से मॉडिफिकेशन होने के बाद न्यूअर ड्रग्स उस क्लास में बनी है तो उसे हम लोग प्रोटोटाइप ड्रग्स बोलते हैं तो प्रोपरनोलॉल प्रोटोटाइप ड्रग है तो उसका कुछ इंपॉर्टेंट फार्मोकाइनेटिक्स हम लोग देखते हैं जनरली आपको फार्मेकोलॉजी में फार्मोकाइनेटिक्स पढ़ना होता है लेकिन जो जो भी इंपॉर्टेंट फार्मोकाइनेटिक्स है जिसका कुछ रिलेवेंस है तो उसके ऊपर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए जैसे अब लोग फार्मोकैनेटिक में ऑब्जॉर्शन के बारे में देख रहे हैं कि ये ड्रग का ऑब्जॉर्बशन में कुछ इंपॉर्टेंट फार्मोकैनेटिक रोल है तो जो प्रोप्रेनोलॉल है वो वेल ऑब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन सो पहले पहले ये कह सकते हैं कि इसका ओरल ऑब्जॉर्बेशन बहुत अच्छी तरीके से होता है तो प्रोप्रेनोलॉल अच्छी तरह से ओरल ऑब्जॉर्बशन होता है सो so टैबलेट के फॉर्म में हम लोग ओरली दे सकते हैं उसकी सस्टेन रिलीज प्रिपेरेशन भी अवेलेबल हैं सस्टेन रिलीज एस आर प्रिपेरेशन जैसे हमने बात की थी कि वो धीरे धीरे ड्रग्स बॉडी में रिलीज करती है जिससे प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे अचीव होता है और लॉन्गर टाइम के लिए प्लाज्मा कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन रहता है जिससे फ्रिक्वेंट डोजिंग की जरूरत कम हो जाएगी पेशेंट एक बार ही लेगा तो भी चलेगा जिससे ये ड्रग्स का और लेने से फ्रीक्वेंसी कम होने से पेशेंट्स का कंप्लायंस बढ़ जाएगा तो ऐसी प्रोपरनोलॉल मेटाप्रोलॉलॉलॉल ये सब दवाइयाँ एस फॉर्म में भी अवेलेबल हैं तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसका मेटाबॉलिज्म ये एक्सटेंसिव फर्स्ट पास स्पेशली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म काफी ज्यादा है तो जैसे हमने बात की थी कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म मीन्स कि जब भी हम लोग कोई भी ड्रग लेते हैं तो वो 100% परसेंट नहीं होती है मान लीजिए कि वो ड्रग 70 परसेंट ऑब्जॉर्व हो रही है सिस्टमिक सर्कुलेशन में जा रही है तो जो बाकी का 30 परसेंट है वो उसका लॉस हो गया है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में तो इसका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म भी काफी ज्यादा है दूसरा बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो ये ड्रग्स रैपिड डिस्ट्रीब्यूट होती है और इसका लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है अब इसके बाद ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट नॉट जनरल फार्मेट में थी क्या इसका क्लिनिकल इंप्लीकेशन है कि जो भी ड्रग्स ज़्यादा लिपिड सोल्यूबल रहती है तो वो काफ़ी सारे सेल मेमरेंस को पास करके टिश्यूज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है तो ऐसी हाई डिस्ट्रीब्यूशन होने वाली ड्रग्स को जब इसका टॉक्सिसिटी होता है तब उसको बॉडी में से निकालना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है क्योंकि ये सिर्फ वैस्कुलर कंपार्टमेंट तक सीमित नहीं रहती है वैस्क्यूलर कंपार्टमेंट के बाहर भी टिश्यू में पड़ी होती है तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वाली ड्रग्स हैं जिससे यू you नो know, उसका टॉक्सिसिटी हो तो थोड़ा मैनेजमेंट डिफिकल्ट रहता है ये लाइपोफिलिक है, है और जिससे ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस कर सकती है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसका क्लिनिकल इम्प्लीकेशन है वो हम लोग देखेंगे कि ये यूज होती है एंजाइटी रिलीव करने के लिए तो एंग्जाइटी रिलीव करने के लिए ये, ये यूज होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी जाके काम करती है वहां पे जो परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है वो कम करती है लिपिड सॉल्यूबल है तो इजीली मेमरिज को क्रॉस कर सकती है हाफ लाइफ इसका रेंज करता है डिफरेंट uh, आवर्स तक लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है एसमोलॉल जिसका नाम है एसमोल ऑल का हाफ लाइफ बहुत ही कम है दस मिनट का ही हाफ लाइफ है तो एस्मोल एक ऐसा बीटा ब्लॉकर है सबसे कह सकते हैं कि छोटी हाफ लाइफ वाला बीटा ब्लॉकर है तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपको पूछ सकते हैं ये इंट्रा ऑपरेटिवली यूज होता है हम लोग देखेंगे यूजिस में कि जब भी हार्ट रेट बढ़ जाते हैं टैक् एरिथमियाज जैसा पिक्चर हो जाता है तो हार्ट रेट को कंट्रोल करने के लिए कम करने के लिए हम लोग एसमोलोल को ऑपरेटिवली यूज़ करते हैं बहुत ही क्विक एक्शंस होता है दूसरा चीज़ जैसे हमने बात की थी फर्स्ट पास मेटाबोलिज्म ज़्यादा है इसका नॉर्मल भी मेटाबोलिज्म जो है वो ज़्यादा होता है प्रोपनोलॉल मेटापोलोल का लीवर में और अनचेंज इसका एक्सेश होता है तो इसका जो मेटाबॉलिज्म है वो पर्टिकुलर जीनोटाइप से रिलेवेंट है जो एंजाइम से उसका जो मेटाबॉलिज्म होता है उसका नाम है 2D6 जैसे काफी सारे साइटो क्रोम एंजाइम्स है उसके जो वेरिएंट है उसमें से 2D6 वेरिएंट जो मेटाप्रोलोल के मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड रहता है तो जो भी लोग जिसमें ये जीन का म्यूटेशन हुआ होता है तो उसमें अगर हम लोग मेटाप्रोलोल देंगे तो मेटाप्रोलोल का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होगा और मेटाप्रोलोल का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होने से इवेंचुअली उसकी एक्शंस पे असर पड़ेगा वन मोर थिंग अबाउट दफ इंपोर्टेंट एटेनोलॉल, सेलिप्रोलॉल एंड पिंडोलॉल दीज आर लेस कंप्लीटली मेटाबोलाइज सो वी हेव सीन ऑलरेडी दैट प्रोपरेनोलॉल एंड Uh, metoprolol are extensively metabolized. On the contrary, these are the drugs which are not more dependent on metabolism in liver. So that the clinical significance is, if the person is having any liver pathology, in that case obviously you cannot use propranolol and metaprolol, but you can use these drugs which are having less metabolism in the liver. Again, nadolol is excreted unchanged in the urine, and it has the longest half life available propranolol elimination may vary in liver disease and obviously it gets affected with any liver pathology okay any liver pathology would be there propranolol and metaprolol metabolism will be affected but atenolol saliprolol pindolol and even nadolol won't be affected that much now let's jump to the pharmacological actions of propranolol as we have already seen in symphatomimetic about the different sympathomimetic drugs and their actions on different uh, you know major uh, aspects in the body like cvs cardiovascular system on blood vessels on on hormonal effects on metabolic effects so same way we are going into the different systems and how propranolol affects different systems according to its pharmacological actions so here propranolol let's remember blocks beta 1 as well as beta 2 receptors so now we already know about where these receptors are and what is their action so it would be easier for us now to understand its pharmacological actions if we block those so on heart if we block those beta 1 receptors there would be decrease in the heart rate there would be decrease in the cardiac output now we have already understood that heart has two tissues one muscle tissues one conductive tissues and both the roles are different muscle tissues are more of important in cardiac output and uh, the conductive tissues are more related to conduction impulse generation impulse transmissions and eventually heart rate so blocking those would obviously decrease the heart rate as well as decrease the cardiac output so negative inotropic effect negative chronotropic effects and force of contraction also decreases secondly uh, blocking those receptors uh, not prominently normal person, but in presence of sympathetic overactivity, you know. In case of sympathetic overactivity, like for an example, anxiety or emotions, you know, in these kind of situations, there would be sympathetic drive, the positive sympathetic drive would be there, and patient would be in a sympathomimetic phase. So uh, to relieve those anxiety to calm the patients, you know, to decrease the exciting state of a patient, we can use this propanol kind of a drugs and because of its pharmacological action it helps in relieving those sympathetic drive it decreases the cardiac work and oxygen consumption like for an example if there would be a situation arises because of any stress or sympathetic overactivity where cardiac function also need to get increased right इन एनी सिंपैथेटिक ड्राइव अगर आप हम लोग कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हैं कि हम लोग कोई भी इमोशनल uh, स्ट्रेस आ गया तो उसमें हार्ट को भी काफी पंपिंग करना पड़ेगा ठीक है तो हार्ट का भी अपना ब्लड सप्लाई है ठीक है ये हार्ट है मान लीजिए और हार्ट का भी अपना खुद का आपका ब्लड सप्लाई है अगर हार्ट को बहुत पंपिंग कर रहा पड़ता है तो उसका ब्लड सप्लाई भी बढ़ाना पड़ेगा हमको किसी भी तरह से और अगर उस स्टेट में हार्ट में कुछ ब्लॉकेट वॉकेट वगैरह है जिससे सप्लाई आप बढ़ा नहीं सकते तो उस टाइम पे अंजाइना का अटैक प्रेसिपरेट हो सकता है ठीक है सो ये ड्रग्स क्या करती हैं कि हार्ट का जो कार्डिया का आउटपुट हार्ट रेट ये सब डाउन करके सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी डाउन करके हार्ट के ऊपर का जो लोड है ऑक्सीजन हार्ट का जो ऑक्सीजन कंजप्शन है ऑक्सीजन डिमांड है कार्डिया का वर्क लोड है ये सब ये कम करती है सो जैसे हाई कार्डियक स्ट्रेस uh, वाली जो कंडीशन है उस सभी में ये ड्रग यूजफुल है एक इंपॉर्टेंट चीज़ यह है कि इससे कोरोनरी फ्लो का रिडक्शन होता है ठीक है जैसे हमने बात की कि जो हार्ट uh, को जो सप्लाई करने वाली कोरोनरी ब्लड वेसल्स हैं उसको ये कंस्ट्रिक्ट uh, करती है क्योंकि वहां पे बीटा टू रिसेप्टर्स है जैसे हमने बात की थी उसकी ब्लड वेसल्स के स्मूथ मसल्स पे और उसका काम है डायलेटेशंस करना अगर हम उस रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो दैट वुड बी अ कॉन्ट्रास्ट थिंग कंस्ट्रिक्शन होगा जिससे ब्लड सप्लाई कम होगा लेकिन अच्छी बात यह है कि ये जो ब्लड सप्लाई कम हो रहा है वो सब एपिकार्डियल रीजन में हो रहा है एंड नॉट इन सब एंडोकार्डियल रीजन एंडोकार्डियल रीजन में अगर होता है तो दैट इज बैड सो so, जिससे एंजाइना जैसी कंडीशंस में बॉस हो सकता है लेकिन यहां पे सब एपिकार्डियल रीजन में ब्लड सप्लाई कम होने की वजह से एंजाइना का ज्यादा खतरा नहीं है एंजाइन में वो ज्यादा खतरा नहीं है दूसरी चीज बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द हार्ट रेट एंड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द कंडक्शन हार्ट की जो ऑटोमेटिसिटी है वो कम होती है और एवी जो कंडक्शन है वो डिले होता है क्या उसका यूज होता है वो होता है एरिदमिया में स्पेशली टैकी एरिदमिया जो होता है उसमें जो कंडक्शंस बहुत ज्यादा एबनॉर्मली हाई हो जाता है तो उसको भी हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं एसिड ड्रग से दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है मेमब्रेन स्टेबिलाईजिंग एक्शन अगेन वो एरि में काम आती है प्रोपेनोलॉल की और डिप्रेशन एक्शन सो so, कहने का मतलब यह है कि इसकी सभी टिश्यूज के ऊपर एक्शंस है हार्ट रेट कम करता है कार्डियक आउटपुट कम करता है जिससे इवेंचुअली कार्डियक कंजप्शन और वर्कलोड कम होता है और कंडक्टिव टिश्यूज जो है उसका भी कंडक्शंस कम करता है तो टैकी एरिद्स जैसी कंडीशन में हेल्पफुल है मेमरे स्टेबिलाईजन एक्शन है मेमोरी स्टेबिलाईजिंग के बारे में देखेंगे जीस के जो सोडियम रिसेप्टर्स सोडियम चैनल सॉरी जो है उसको ब्लॉक करेगी जिससे सेल्स का जो डिपुलराइजेशन है वो कम होगा तो एक्साइटेशन जो है वो कम होगा सो तो इस तरह से हार्ट में एक्साइटेटरी सिचुएशंस को बंद करने का ओवरऑल ये काम करती है ड्रग दूसरी जो एक्शन है वो ब्लड वेसल्स के ऊपर है ठीक है ब्लड प्रेशर के अंदर भी हम लोग बोल सकते हैं अभी प्रोपरेनोलॉल ब्लड प्रेशर कम करने के लिए यूज होती है दैट एक बात हमें याद रखनी है कैसे यूज होती है उसके दो तीन कारण है पहला कारण तो यह है कि ये जो ड्रग है वो बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करती है अब बीटा वन रिसेप्टर कहां होते हैं बीटा वन रिसेप्टर्स होते हैं एक तो हार्ट में और दूसरे होते हैं किडनी में तो हार्ट में ये क्या करती है कि हार्ट में विटामिन को ब्लॉक करेगी जिससे कार्डियक आउटपुट कम होगा और हमें पता है कि जो ब्लड प्रेशर है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंडेंट रहता है एक रहता है टोटल पेरिफल डिपेंडेंट रहता है और कार्डियक आउटपुट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है तो यहां पे कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है तो जिससे कई तरह से कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर डाउन होगा कैसे डाउन होगा कार्डियक का आउटपुट कम होने की वजह से ब्लड प्रेशर वो होगा एडप्टेशन से पहले ब्लड वेसल्स जो थी वो काफी स्टिफ थी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ ज्यादा सोडियम होता है उसकी वजह से ये जो ब्लड प्रेशर है उसके मसल्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट होते हैं और स्टिफ हो जाते हैं अभी हम लोग कार्डियक आउटपुट कम कर रहे हैं ये प्रोपर जैसी ड्रग देने से हम लोग कार्डियक आउटपुट को कम कर रहे हैं जिससे क्या होगा कि धीरे धीरे ये जो ब्लड वेसल्स हैं वो एडप्ट होने लगेगी लो कार्डियक आउटपुट के साथ ठीक है सो क्रोनिक एक्सपोजर होगा ये रेजिस्टेंस वेसल का लो कार्डियक आउटपुट के साथ और धीरे 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 ये ब्लड वेसल्स हैं वो खुलने लगेगी और पेशेंट्स का ब्लड प्रेशर फॉल होने लगेगा तो एक ये है कि कार्डियक आउटपुट कम होने की वजह से जो ब्लड वेसल्स हैं वो एडेप्ट होने लगेगी और पेशेंट का ब्लड प्रेशर धीरे धीरे कम होगा ये इफेक्ट आने में देर लगेगा ये बात आप याद रखिए तुरंत नहीं होगा ये जो एडेप्टेशन है वो देर लगेगा तो इसके लिए इसका एक्शन ये मेकेनिज्म से आने में देर लगता है दूसरी चीज किडनी के ऊपर जो रिसेप्टर्स हैं बी वन रिसेप्टर वो क्या करते हैं कि रेनिन का रिलीज करवाते हैं रेनिन एजोटेंशन सिस्टम होती है उससे टीपीआर बढ़ता है और उससे कार्डियक आउटपुट बढ़ता है तो ये दोनों चीज बंद कर देगी सो so, रेनिन का जो रिलीज नहीं होगा क्योंकि ये इसने बीटा वन रिसेप्टर किडनी के जे सेल के ऊपर है उसको ही बंद कर दिया तो उसमें से रेनिन का रिलीज नहीं होगा कि आगे की प्रोसीजर नहीं होगी तो इससे भी हेल्प करेगा ब्लड प्रेशर डाउन होने में तो ये दूसरा रीजन हो गया और तीसरा जैसे हमने बात की कि सिंपैथेटिक ओवर एक्टिविटी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में से जो सिंपैथेटिक ड्राइव बढ़ती है सिंपैथेटिक आउटफ्लो होता है उसका सेंट्रली रिडक्शंस करिए क्योंकि प्रोपरऑल काफ़ी लिपिड सॉल्यूबल दवा है वो रीच कर सकती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ और वहां जाके सेंट्रल सिंपैथेटिक आउटफ्लो को कम कर देगी तो ये तीन लॉजिकल एक्सप्लेनेटरी है कि क्यों बीटा ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर कम करती है पहला हार्ट के अंदर बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेगी जिससे ब्लड वेसल्स एडेप्टेशन हो जाएगा दूसरा किडनी के ऊपर बीटा रिसेप्टर्स ब्लॉक करेंगी जिससे रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम पूरा बंद हो जाएगा जिससे टोपल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और कार्डियक आउटपुट कम होगा और सी एन एस में जाके सिंपैथेटिक ड्राइव और सिंपैथेटिक आउटफ्लो है वो कम हो जाएगा सो दीज आर लॉजिकल रीजन कि जिससे ब्लड प्रेशर कम होता है ये ड्रग से दूसरी क्या क्या एक्शन है तो तो रेस्पिरेटरी पे इसका देखते हैं तो जैसे हमें पता है कि बीटा -2 रिसेप्टर्स ब्रोंकियल स्मूथ मसल्स में होता है, जिनका एक्टिवेशन करने से ब्रोंकोडाइलेटेशन होता है तो अगर हम ये बीटा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दे तो क्या होगा अगर ब्लॉक कर दे तो आप मानिए कि नॉर्मल पेशेंट्स है तो उसमें कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं होंगे राइट क्योंकि एंटागोनिस्ट का इंट्रेंजिक एक्टिविटी कुछ नहीं होता है एंटागोनिस्ट करता क्या है एगोनिस्ट को काम नहीं करने देता तो नॉर्मल पेशेंट्स में ज्यादा दिक्कत नहीं है लेकिन अगर पेशेंट अस्थमा वाला है ठीक है तो अस्थमा वाले पेशेंट्स में यह चीज बहुत दिक्कत करेगी अगर अस्थमा वाले पेशेंट्स में आपने बीटा टू रिसेप्टर ब्लॉकिंग ड्रग्स दी है तो उस पेशेंट्स में यह डेंजरस हो सकता है उसका ब्रोंको ब्रोंकोडाइलेटेशन सब नहीं होगा तो इसीलिए अस्थमा वाले पेशेंट्स में बीटा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना इट्स वेरी डेंजरस तो यहां पे अगर आपको बीटा रिसेप्टर्स को ब्लॉक करना है अस्थमा वाले पेशेंट्स में तो आप बीटा वन का ब्लॉक कीजिए बीटा टू को मत ब्लॉक कीजिए सो so, इसीलिए अस्थमा वाले पेशेंट्स में एक इंडिकेशन हमारा आया कि आपको सिलेक्टिव ब्लॉकर्स देना है स्पेशली सिलेक्टिव बीटा वन जैसे हमने बात की थी सिलेक्टिव मीन बीटा वन ही होता है बीटा में तो सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर्स स्पेशली हेल्प करते हैं अस्थमा वाले पेशेंट्स में आई के अंदर क्या रूल है तो आई के अंदर जैसे हमने अल्फा रिसेप्टर्स में भी बात की थी कि आई के अंदर जो सिलियरी बॉडी होती है उसमें काफी सारी ब्लड वेसल्स होती हैं तो वो जो ब्लड वेसल्स हैं उसमें से एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शंस बढ़ाती है यूजुअली बीटा रिसेप्टर्स का स्टिम्यशन करते हैं हम लोग स्पेशली बीटा टू रिसेप्टर्स का तो उससे एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ता है तो ये बीटा ब्लॉकर ड्रग देने से क्या होगा कि जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन है वो कम होगा सो ब्लॉकिंग ऑफ दिस बीटा रिसेप्टर विल हेल्प इन डिक्रीज इंटर प्रेशर बाय डिक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ एक्वस ह्यूमर सो so, बीटा टू रिसेप्टर्स एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं तो अगर हम बीटा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो देर वुड बी डिक्रीज एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन सीएनएस में जैसे हमने बात की कि डिपेंडिंग अपॉन द ड्रग्स प्रोफाइल जो बीटा ब्लॉकर्स की अपनी अपनी लिपिड सॉल्युबिलिटी है उसके हिसाब से वो काम करती है अगर प्रोपेनोल की बात की जाए तो वो लिपिड सॉल्युबल है ब्लड ब्रेन मेरे क्रॉस करती है तो सी एन एस साइड इफेक्ट्स उसकी होगी तो सी एन एस डिप्रेशन भी कर सकता है और कई बार इससे फर्गेटफुलनेस भी हो जाता है बिहेवियरल चेंजेस भी होता है नाइट में सो सी एन एस साइड इफ़ेक्ट्स प्रोपेनोनॉल जैसी ड्रग्स से होती है एक और चीज है स्केलेटल मसल जैसे हमने बात की थी कि जो मसल टिश्यूज होते हैं मसल टिश्यूज में जो ब्लड वेसल्स होती है उसके ऊपर भी बीटा टू रिसेप्टर्स होते हैं और जो ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं के ऊपर वहां का ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं इसलिए बीटा टू एगोनिक से साइड इफेक्ट आती थी ट्रैमर तो अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाए तो क्या होगा तो मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा सो देर वुड बी रिडक्शन इन द ट्रैमर बट कॉन्ट्ररी क्या होगा कि मसल को ब्लड सप्लाई कम मिलेगा तो जब भी आप एक्सरसाइज करोगे तो मसल का कैपेसिटी कम हो जाएगा सो देर वुड बी रिडक्शन इन एक्सरसाइज कैपेसिटी बिकॉज ऑफ रिडक्शन इन द ब्लड फ्लो दूसरा चीज इंपॉर्टेंट है इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजीनोलाइसिस एंड लाइपोलिसिस। हमें पता था कि बीटा टू रिसेप्टर का मेटाबोलिक एक्टिवेशन में भी रोल है कैलरी जीनेसिस करता है बीटा टू एक्टिवेशन तो अगर हम बीटा टू को ब्लॉक कर दिया तो ये जो कैलरी जिनेसिस प्रोसेस है वो नहीं हो पाएगी तो प्रोप्रेनोलॉल इनहिबिट करेगी स्टिम्युलेशन ऑफ लाइपोलिसिस तो ये बंद होगा दूसरा चीज इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोजिन जो ग्लाइकोजन लाइसिस होता था बीटा टू स्टिमुलेशन से वो अब नहीं होगा अनसर्टेन रिस्पॉन्स टू हाइपोग्लाइसीमिया अभी ये समझना बहुत जरूरी है हाइपोग्लाइसीमिया बॉडी में जब भी ग्लूकोज कम हो जाता है तो क्या होता है जब भी बॉडी में ग्लूकोज कम हो जाता है हमारा बॉडी में तो बॉडी एक वार्निंग साइंस ये सिम्टम्स क्रिएट करती है तो जैसे टेकिकारिया हो गया इंक्रीज परस्पीरेशन टेकी कार्डिया होने से पालपीटेशन स्वेटिंग सो ये सब साइंस है कि बॉडी में ग्लूकोज कम है जब भी बॉडी में ग्लूकोज कम होता है तो ये सब होता है कोलेप्स रहने से पहले पेशेंट को थोड़ा चक्कर आने से पहले पेशेंट्स को थोड़ा स्वेटिंग होने लगता है टेकिकार्डिया होने लगता है पालपिटेशन होने लगता है परस्पिरेशन होने लगता है तो ये सब चीजें होने लगती हैं क्यों होती है सिंपैथेटिक एक्टिविटी सिंपेथेटिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी सो so, हाइपोग्लाइसेमिया का साइंस देने के लिए बॉडी सिंपैथेटिक स्टिम्युलेशन करता है बीटा वन रिसेप्टर को स्टिम्युलेशन करता है जिससे टकीकारिया होता है जिससे पल्पिटेशन होता है राइट तो so, ऐसे सिंपैथेटिक स्टिम्युले हमें पता है कि सिंपैथेटिक सिस्टम में स्वेट uh, ग्लैंड के ऊपर कोलिनर्जिक सप्लाई होता है तो उसके ऊपर से स्वेलिंग होता है स्वेटिंग होता है पर्स्पिरेशन आपको होता है तो ये सब साइंस है हाइपोग्लाइसेमिया की अब मान लीजिए कि आपने बीटा ब्लॉकर ड्रग दी हुई है ठीक है सो बीटा ब्लॉकर मेडिसिन पेशेंट को चल रही है और अगर पेशेंट को हाइपोग्लाइसीमिया हुआ तो क्या होगा पेशेंट को पता ही नहीं चलेगा रिलेटिव्स को भी पता ही नहीं चलेगा कि कब हाइपोगलाइसी में होगा ये सब जो भी वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स हैं ये सब चली जाएगी वुड बी नो वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स क्यों क्योंकि आपने बीटा वन रिसेप्टर्स को ब्लॉक किया है सो so, कोई भी वार्निंग साइंस और सिम्टम्स नहीं होगी और पेशेंट माइड गो डिरेक्टली इन टू द कोमा तो इसीलिए बीटा ब्लॉकर्स हाइपोग्लाइसीमिया जैसे सिचुएशंस में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ है सो so, आपको याद रखना यह बहुत ज़रूरी है कि बीटा ब्लॉकर्स अगर पेशेंट्स प्रोन है हाइपोग्लाइसीमिया जैसे मान लीजिए कि आ, उसको कुछ ऐसी दवाइयाँ चल रही हैं कि जिससे उसका ग्लूकोज कम हो सकता है तो उस सिचुएशन में तो आप बीटा ब्लॉकर मत दीजिए क्योंकि पेशेंट का हाइपोग्लाइसीमिया बहुत हो जाके उसको कोमा भी हो सकता है तो ये एक चीज़ आपको याद रखना है दूसरी चीज बीटा ब्लॉकर देने से हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है ठीक है बीटा ब्लॉकर देने से हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है जैसे हमें पता है कि बीटा टू का अगर हम इगोनिज्म करते हैं तो इंसुलिन इन, का रिलीज बढ़ता है ठीक है इंसुलिन का रिलीज बढ़ता है और बिकॉज इंसुलिन ग्लूकोज को कंट्रोल करता है तो अगर हमने बीटा टू रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दिया सो देर वुड बी डिक्रीज इंसुलिन इंसुलिन कम होगा एंड इट माइट प्रेसिपिटेट हाइपरग्लाइसीमिया तो डायबिटीज वाले पेशेंट्स में ये अच्छी बात नहीं होगी सो so इसीलिए दोनों चीजें हो सकती है उससे डायबिटीज वाले पेशेंट्स में हाइपरग्लाइसीमिया भी हो सकता है और अगर कुछ ऐसी ड्रग्स चल रही हैं जो हाइपोग्लाइसीमिया प्रोन है तो उससे पेशेंट्स के जो सिंपैथेटिक ओवर एक्टिवेशन के वार्निंग साइंस एंड सिम्टम्स भी मास्क हो सकते हैं इसीलिए जब भी डायबिटीज वाला पेशेंट हो तो उसमें आप ये ड्रग्स ना ही दें स्पेशली बीटा टू ब्लॉकिंग मीन्स कि नॉन सिलेक्टिव ड्रग्स ना दें सिलेक्टिव से काफी हद तक आप लोग ये कम कर सकते हैं लेकिन फिर भी सिलेक्टिव से वार्निंग साइंस तो जाएंगे ही क्योंकि बीटा वन को भी वो भी ब्लॉक कर रहा है ठीक है हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज में बीटा वन रिसेप्टर ब्लॉक स्पेशली करने से नहीं होगा लेकिन साइन वार्निंग साइन सिम्टम्स तो उसमें भी मास्क होगा तो आपको बहुत ध्यान से देना पड़ता है तीसरी बात यह है कि ये ड्रग्स देने से क्योंकि आप लाइपोलिसिस कम कर रहे हैं तो इससे भी क्या होगा कि बॉडी में जो कोलेस्ट्रॉल है स्पेशली बैड कोलेस्ट्रॉल है एलडीएल कोलेस्ट्रॉल या वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाएगा और जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल है एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है वो कम हो जाएगा सो so, ये चीज़ें अच्छी नहीं है अस्थमा वाले पेशेंट्स में देना डायबिटीज़ मलाइटस वाले पेशेंट्स में देना आ, स्पेशली लिपिड प्रोफाइल वर्जन होता है सो so, ये ड्रग्स को बहुत अच्छी तरह से पेशेंट्स का कोमोरवि सिचुएशंस देखने के बाद ही बीटा ब्लॉकर्स को दिया जाता है